दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे जो है ऑफिशियल अपडेट पे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आपका सैलरी जो है वो 4.5 LPA फिक्स रहने वाला है, यानी कि मंथली 35,000 आपको यहाँ पे की करेगी कंपनी, प्लस अदर इंसेंटिव्स जो हैं आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको एक्स्ट्रा होने वाले हैं, यानी कि आप ना ना करते भी यहाँ पे 40,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी उठाने वाले हो इस कंपनी में। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं डिटो कंपनी की। डिटो कंपनी की करियर सेक्शन में यहाँ पे इन्होंने कुछ वैकेंसीज पोस्ट करी हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा पोस्ट करी हैं, बट हम लोग स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे रिमोट जॉब के रिगार्डिंग। तो रिमोट जॉब में यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज इन्होंने डाली हुई हैं, बट इसमें से जो फर्स्ट वैकेंसी है इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसे कवर नहीं करेंगे। बट हम जो कवर करने वाले हैं वो इंश्योरेंस एडवाइज़र की यहाँ पे जॉब होने वाली है, जिसमें कि आपको व्हाट्सएप के अंदर एडवाइस प्रोवाइड करनी है बच्चों को। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में आपको कम्प्लीटली रिमोट जॉब है ये, एंड आपका वर्क टाइप जो है वो फुल टाइम का है, यानी कि परमानेंट एक फुल टाइम की जॉब है। सबसे पहले हम लोग बात करें डिटो कंपनी के बारे में, तो डिटो जो है बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि डिटो जो है वो हेल्प करता है लोगों को इंश्योरेंस बाय करने के लिए, एंड इनको जीरोदा कंपनी जो है उन्होंने भी फंडिंग प्रोवाइड की है। तो डिटो जो है वो 100% एक ऑफिशियल कंपनी है, इसका मतलब एक रियल कंपनी है। दूसरा बात करें इस प्रोफाइल के रिगार्डिंग, इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लोगों को जो है अवेयर करना है कि कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उनके लिए बेस्ट सूट करता है एंड वो कौन से इंश्योरेंस के साथ जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपको किसी को भी रैंडम लोगों को कॉल नहीं करना होता, जो लोग यहाँ पे जो डिटो कंपनी के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उन्हीं की डिटेल आपको दी जाती है, एंड आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू उनसे यहाँ पे कनेक्ट करके इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है। सो रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने बताया आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बढ़िया होना चाहिए, देन आप यहाँ पे आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एंड आप जो है अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाएँ, बिकॉज आपको यहाँ पे लोगों के साथ डील करना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है यहाँ पे। देन पर्क्स के बारे में बता दें आपको, पर्क्स इन्होंने बताया कि आप जो है यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सैलरी इन्होंने बताया 4.5 LPA की रहेगी, प्लस इंसेंटिव्स आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पे रहने वाली है जॉब, आपको कहीं भी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया कि आपको टोटल 4 राउंड्स रहेंगे सिलेक्शन के लिए, अगर वो आप चारों राउंड्स जो हैं आपके मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे मैंने आपको इनका बेसिकली एक फॉर्म का लिंक दिया जो आपको यहाँ पे फिल करना है, प्लस एक वीडियो रेज्यूमे का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी अपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो है अपना शॉर्ट वीडियो शूट करना है, जिसमें आपको अपना बायोडाटा वगैरह रेज्यूमे बताना है कि आपने क्या क्वालिफिकेशंस करी हैं, बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन वीडियो क्रिएट करना है, वो आपको अपलोड कर देना है। देन अगर आपका वो रेज्यूम वीडियो जो है वो इनको अच्छा लगता है वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम HR की जो इंट्रोडक्टरी कॉल है वो आपको रिसीव हो जाएगी। देन अगर आप वो क्लियर करने के बाद आपको फिर एक टास्क रहेगा, टास्क 1 आपको क्लियर करना है, अगर आप उसे क्लियर करते हो देन आपको ये सेकेंड टास्क देते हैं, सेकेंड टास्क कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल राउंड रहेगा जो कि फाइनल मैनेजेरियल राउंड रहता है। तो अगर आप ये 4 के 4 राउंड्स क्लियर कर देते हो देन आपका सिलेक्शन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाने वाला है। सो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म जो है वो सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना CV जो है यानी आपका रिज्यूमे वो अपलोड करना है, उसे अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके रिज्यूमे से आ जाएंगी। देन आपको करंट CTC प्रोवाइड करना है कि आप फ्रेशर हो या फिर कितना CTC है आपका, वो सब यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। देन आपको वीडियो का सोर्स बताना है, वो आपका YouTube है, YouTube पे क्लिक करोगे। देन आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर आप जब किसी से बात कर रहे हो, किसी क्लाइंट से, तो आपको उन्हें सुनना कितना इम्पोर्टेंस रखता है, स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइजरी के रिगार्डिंग, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। देन आपको ये अनदर क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि डिटो जो है वो स्पैम कॉलिंग पे बिलीव नहीं करता, मतलब कोल्ड कॉलिंग पे, एंड यहाँ पे जो कस्टमर यहाँ पे बुक करवाते हैं कॉल डिटो के साथ, उन्हीं से आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होता है और उनको इंश्योरेंस के बारे में बताना होता है, तो ये कितना सही है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताना है।
देन दोस्तों जब आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो, देन उसके बाद जो है आपको ये अलग से एक और फाइनल क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, जिस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ के लेसन्स बताने हैं, वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स जो आपने अभी तक कुछ समझे हैं अपनी लाइफ में वो आपको बताने हैं। मैक्सिमम 4 सेंटेंस में आपको लिखना है डिटेल। देन जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो रिज्यूमे का लिंक दे दूंगा, वो लिंक आपको दिख सकता है यहाँ पे, एंड इस लिंक का भी मैं स्पेशली आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो अगेन आपका जो है शॉर्ट वीडियो रिज्यूम यहाँ पे बनाने के लिए एक आपका जो है आपको यहाँ पे शो करता है लॉग इन के लिए। लॉग इन पे जब आप क्लिक करते हो तो लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा डिटेल मेंशन करनी है, एंड अपना जो CV है यानी कि वीडियो रिज्यूमे जो है वो आपको अपलोड करना है। तो वो जब आप कर लेते हो तो यहाँ से आपका वीडियो रिज्यूमे जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा इन लोगों के पास। देन आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद जो आपका सबमिट है एप्लीकेशन उस पर क्लिक कर देना है, एंड आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। देन जब आप वीडियो शूट करने के बाद वो दे दोगे उन्हें तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सेव हो जाती है, एंड अगर वीडियो रिज्यूमे इनको आपका पसंद आता है तो आपको ये आगे फर्दर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे आपको एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पे अपडेट आ जाएगा इन लोगों की तरफ से, एंड इस चीज़ की गारंटी है बिकॉज हमारी सब्सक्राइबर जो है उन्होंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था, एंड उनको मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे कॉल आ गया था HR का बिकॉज उनका जो शॉर्ट रिज्यूमे था वो सिलेक्ट हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको जॉब अपडेट पसंद आई है, अपडेट यहाँ पे अगर बहुत अच्छी लगी है और ज्वाइन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड किसी तरह का कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो हम यहीं पे आज इजाज़त लेते हैं आपसे, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।